अस्सलाम वालेकुम। और ए एफ ओ टी टी आपको शॉर्ट फॉर्म में आप सब लोग का बहुत बहुत वेलकम है। तो इस एपिसोड में हम बात करते हैं दूध से जुड़े कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। तो आइए बात करते हैं। क्या आप सब लोग तो पता है डूडल जो है नाम वो कहाँ से लिया गया है? देखिए, डूडल जो है वो मैथमेटिकल एक चीज़ है जिससे लिया गया है, जिसका नाम है डूडल। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कहते हैं मैथमेटिकल में, यानी कि जिसमें वन नंबर हो और उसके आधे 100 हो, यानी कि 1 और 100 हो, उसे हम वन डूडल कहते हैं। तो यहाँ से डूडल का नाम लिया गया है। क्या आप सब लोग तो पता है लैरी पेज और सर्जे ब्रिन जो थे तो फाउंडर है डूडल थे, उन्होंने जब डूडल बनाया तो उन्होंने डूडल का नाम डूडल नहीं रखना था, उन्होंने डूडल का नाम रखना था बैथरब। डूडल ज्यादा सही है, बैथरब अजीब से लगता है। अच्छा कि उन्होंने डूडल ही रखा। क्या आप सब लोग तो पता है 2010 से लेकर आज तक डूडल जो है वो 1 हफ्ते में 1 कंपनी तो खरीदती है, यानी कि हर हफ्ते डूडल जो है तो नई कंपनी जो है वो खरीद लेती है। तो इसलिए डूडल जो है वो इतनी बड़ी होती जा रही है और डूडल के पास इतने सारे ऐप्स और सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजीज है क्योंकि वो हर हफ्ते नई कंपनी खरीद लेती है। क्या आप सब लोग तो ये पता है डूडल का जो URL है www.doodle.com, जिसके स्पेलिंग है GOOGLE। लेकिन ये आपको पता है डूडल ने और भी बहुत सारे डोमेन ले रखे है। चाहे तो भी अगर आपने डूडल की ज्यादा 000 000 डाल दिए तो तब भी आप डूडल पर ही जाएंगे। अगर आपने GLE के बजाय GEL लिख दिया अपने वेब एड्रेस में तब भी आप डूडल पर ही जाएंगे। लेकिन दिया तो पता है अगर आपने सिंगल 0 लिख दिया GOOGLE तो तब भी आप डूडल पर ही जाएंगे। यानी कि आपसे जितने भी मिस स्पेलिंग हो सकती है, यानी कि जितनी भी आपसे गलती हो सकती है डूडल लिखते वक्त, अब जो भी टाइप करे दे आप जाए डूडल पे ही। आप चाहे तो इसे खुद ही भी ट्राई कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में या फिर कंप्यूटर लैपटॉप में। क्या आप सब लोगों को पता है डूडल का सबसे पहला कंप्यूटर जिसमें डूडल का डेटाबेस स्टोर किया जाता था वो लेहो से बना हुआ था, यानी थे वो तो प्लास्टिक का नहीं तेज है, तो उसमें लेहो जो नहीं छोटे छोटे से डब्बे आते हैं उन्हें हम एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, बच्चों के जो खिलौने होते हैं ज़्यादातर वो चीज़ जो है उसे हम कहते हैं बच्चे से खेलने वाले हैं। तो उससे जो है सबसे पहला जो है डूडल का कंप्यूटर बनाया गया था जिसमें डूडल का डेटाबेस स्टोर होता था। क्या आप सब लोग तो ये पता है डूडल जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका ऑफिस जो है और वहाँ से जो किचन है, यानी थे खाने पीने जो सामान पड़ा हुआ है किचन में और उनके ऑफिस में जो दीवार में फासला है 150 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। लगता है डूडल सेहत अब इस्तेमाल करता है, ख्याल रखता है अपने एम्प्लॉय का। तो ये चाहता है डूडल के लोग जो है वहाँ एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं 150 फीस है वो चले उससे पहले कोई भी चीज़ खाने थी लेने के लिए। देखिए अगर आप तो कोई भी बड़ा सा नंबर है और आप तो वो इंग्लिश में बोलना नहीं आ रहा तो आप क्या तेरी आप नंबर लिखिए और उसके आते इज इक्वल इंग्लिश लिख दीजिए और डूडल में साथ स्टार लीजिए तो आपके सामने उसका पूरा इंग्लिश तल अल्फाबेटिकल इंग्लिश यानी इंग्लिश में अल्फाबेटिकल फॉर्म आ जाइए और आप वहाँ से बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। या वो तो पता है डूडल की ऐसी अजीब वेबसाइट है जिसका नाम है डूडल मिरर, जिसमें सब कुछ उल्टा नजर आता है। अब जैसे नाम है इसका वैसे ही काम है डूडल मिरर, वह तो पता है शीशे पे जो है वो चीज उल्टी नजर आती है। तो अगर आप इस वेबसाइट में जाते हैं तो आप तो जो है सारी चीज उल्टी नजर आएगी, आप तो डूडल जो है वो उल्टा लिखा हुआ नजर आएगा। और अगर आप तो वेब सर्च करते हैं तो वो भी आप तो जो रिजल्ट आएगा आप वो भी उल्टा लिखा हुआ नजर आएगा। तो ये बहुत ही मेजर इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, आप इसे लास्ट ट्राई कीजिएगा। क्या आप तो जो पता है 1991 में जब डूडल बनी थी तो इस डूडल से जो है तो फाउंडर उन्होंने इसे बेचना चाहा था इस एथसाइड कंपनी तो सिर्फ $1 मिलियन में 1999 ने। लेकिन उस टाइम इस कंपनी ने जो है रिजेक्ट कर दिया, उसने कहा था नहीं भाई हमने नहीं डूडल उधर लेना, ये किसी काम का नहीं है, ये फ्रॉड आइडिया है, हमें नहीं चाहिए। तो उनसे जो है बहुत बड़ी गलती हो दी थी उस टाइम 1991 में, क्योंकि उसका जो है डूडल वो सिर्फ $1 मिलियन में बेच रहे थे। डूडल तो खरीदने की जो वर्थ है थी वो सिर्फ $1 मिलियन है थी। लेकिन आज से अगर हम बात करें 2020 में तो अगर आप तो डूडल खरीदना है तो आपके पास
$300 बिलियन से भी ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि इस बार जो दूधा की वर्थ है वो $300 बिलियन से भी ज्यादा थी है। तो इससे हमें ये चीज पता लगती है कि कोई भी चीज स्टार्टिंग में फजूल हो सकती है, लेकिन अगर हम उस पर काम करते जाए तो वो बाद में ज्यादा तो बहुत ही बड़ा बन जाए। जैसे हमें इस देश में पता चलाते जैसे 1991 में दूधा अपने आप को सिर्फ $1 मिलियन में बेचने को तैयार था, और अब वो $300 बिलियन में भी किसी तो नहीं बेचते थे तैयार। यह आप सब लोगों को पता है लैली और सर्ज जिन तरह डूडल बनाए हैं, जो डूडल थे दो फाउंडर हैं, उनके पास है अपना प्राइवेट प्लेन है। जी हाँ, यह तो फैक्ट है, लेकिन आधे मजे की बात है। यह आप तो पता है उनका जो प्राइवेट प्लेन है वो जिस रनवे का यूज करता है वो नासा का है, यानी नासा के रनवे तो जो है डूडल जो है डूडल के दो फाउंडर जो है उन अपने प्राइवेट प्लेन का यूज करते हैं। तो नासा जो है और किसी भी प्लेन वाली कंपनी को नहीं अलाउ करता वहाँ अपने जहाज रनवे करने के लिए, लेती सिर्फ डूडल था जो है वो यहाँ जहाज उड़ता है। तो बस आज सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप तो वीडियो पसंद आई हुई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, नहीं आए तो डिसलाइक करिएगा। अगर आपने कुछ बताना हो या बोलना हो तो आप नीचे कमेंट में बोल सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए, और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि आपको मिले ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेशन वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Turns the sun rays.